पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जुमे की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में जमकर बवाल हुआ। दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, झारखंड और बिहार में जगह जगह से पत्थरबाजी और आगजनी की तस्वीरें आईं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और कुछ जगहों पर लाठीचार्ज भी किया। सबसे ज्यादा बवाल उत्तर प्रदेश में दिखा। यहाँ के प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद में दोपहर में खूब पत्थरबाजी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज में बवाल के बाद जोन के एडीजी और डीएम घायल हुए हैं। कई जगहों पर सरकारी वाहनों पर भी पत्थर चले। इस बीच प्रशासन ने सख्ती की है। दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है। लखनऊ समेत तमाम शहरों में भारी पुलिस बल की तैनाती हुई है और प्रभावित इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में हालात इतने बिगड़े कि शाम तक वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। हिंसा की इन तस्वीरों के बीच कोलकाता और नवी मुंबई से अच्छी तस्वीरें भी आईं। कोलकाता में मुस्लिम समुदाय ने अपना विरोध जताने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली तो नवी मुंबई में महिलाओं ने मार्च निकाला। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नेता नवीन जिंदल ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी बवाल हुआ। बाद में बीजेपी ने दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया।